गाइस, तो ये निशानी है, ये सामने बाइको का पेट्रोल पंप है। ये आप यहाँ से आए हैं, कराची से आप जैसे ही आते हैं तो विंदर के तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर के बाद ये पॉइंट आता है। ये सामने आप बाइको का पेट्रोल पंप देख रहे हैं, ये सीधा जाएगा क्वेटा, कुसदार, वेला, ठीक है। आपने सीधा नहीं जाना, बाइको के बिल्कुल पंप के सामने ये लेफ्ट साइड पे कटे, ये कट जो है ये सीधा जाएगा चश्मा बंदर डैम की साइड पे, ठीक है। तो ये निशानी है। और ये आप देखें, ये PSO का पंप है, लेकिन ये पाकिस्तानी PSO नहीं है, ये ईरानी PSO है लोकली, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं, ठीक ठाक है। तो मैं यहाँ पे डैम पे पहुँच गया हूँ, चश्मा बंदर या डैम, ये बेसिकली गांव है और विंदर से तकरीबन आधे घंटा आपको ड्राइव करनी पड़ेगी। रोड बिल्कुल साफ है, कारपेटेड है, ठीक है ना। ये गांव है, बेसिकली यहाँ पे फिशिंग का काम होता है। मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, ये सामने मेरी बाइक है, आप कार पे भी आ सकते हैं। ये देखिए, अच्छा बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में जो है वो ये सामने रेगिस्तान है, जो आपने काफी वीडियोस में देखी होगी, रेगिस्तान और समंदर एक साथ है, तो वो बेसिकली पीछे हैं। अभी मैं दूसरी पॉइंट पे आया हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फिशिंग के लिए पॉइंट मिल सकती हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छी जगह है, अगर आप एक्सप्लोरर हैं या ट्रैवलर हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। फैमिली पॉइंट नहीं है, फैमिली के साथ आप नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, जैसे स्टे का मसला है और खाने का मसला है, वो हाइजेनिक फूड आपको नहीं मिलेगा, है ना। अच्छी जगह है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ जाएं, मोस्ट वेलकम। कराची से इतना दूर नहीं है, कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस, 100 मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं है, आप 2 घंटे में ट्रेवल कर लेंगे, ठीक है। हम फिर वहाँ पे रेगिस्तान जाते हैं, तो फिर वहाँ पे मिलते हैं। वैसे ये पानी इतना ख़राब नहीं होता, लेकिन इसमें बारिश का पानी काफ़ी मिक्स हो गया है इस वजह से। ये है जी डैम चश्मा बंदर, बहुत ही खूबसूरत जगह। अगर नेवी वालों ने तो नहीं छुआ, लेकिन ये भी अच्छी जगह है, हम इतना दूर से आए हैं तो कुछ तो देख के जाएं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
गैस तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये सामने नेवी का चेक पोस्ट है, इन लोगों ने मना कर दिया है आगे जाने के लिए। समझ नहीं आता कि वजह क्या है, आया कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या कोई और इशू है। हालांकि इट्स अ टूरिज़म पॉइंट, अब वहाँ पे जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कोई मसला नहीं है, ना कि ये किसी बॉर्डर से लगता है, बीच शहर में है। समझ नहीं आया, खैर अब मजबूरी है, यहाँ से रिटर्न होना पड़ेगा।